press the bell icon for all updates. करके आए हैं केरला के बाढ़ पीड़ितों को मदद करते हुए यहाँ पे आए हैं और खाली हाथ नहीं आए हैं, गणपति बप्पा को लेकर आए हैं। तो बोलिए गणपति बप्पा। ये जो सरप्राइज है जिसका हम वेट करने के लिए बोल रहे हैं, ये वर्थ है क्योंकि टपू सेना जो भी प्लान करती है वो इतना मजेदार होता है, धमाकेदार होता है। तो आप निराश नहीं होंगे आपके जो वेट करना पड़ रहा है इसके लिए? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक शो जो मैंने आज से 10 साल पहले छोड़ा था उसी में वापस आऊँगा, क्योंकि हमारे टीवी इंडस्ट्री में सबसे पहली बात तो कोई भी शो इतना लंबा चलता नहीं है। ये एक शो नहीं है, ये जो हमारी ऑडियंस है उनका प्यार है, जो शो इतने सालों से चल रहा है, टीआरपी आ रही है, क्योंकि अब ना ये एक शो नहीं रहा, एक जनता का ये प्यार हो गया कि भाई ये डेली रूटीन है, 8:30 बज रहे हैं मतलब तारक मेहता देखना है। तो ये अब एक शो नहीं रहा, एक प्यार हो गया। तो इतना लंबा कौन मुझे बता सकता है कि कोई एक्टर ने शो छोड़ दिया और 10 साल के बाद वही कैरेक्टर निभाने वही एक्टर वापस आ रहा है? This itself is a record. Yeah. तो मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब आजाद भाई का जो हो गया है उसके लिए मुझे दुख है, पर अब जो सिचुएशन आई है मैं वापस आया हूँ तो अच्छा, मतलब जो नहीं सोचा था वो हो गया। जब मुझे अशित भाई ने बोला कि फाइनली यू डूइंग डॉक्टर हाथी, तो मेरा रिएक्शन था ओके, क्योंकि अब वो मुझे हजम नहीं हो रहा था कि अच्छा मतलब अब वापस मैं वही कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो मुझे ये बात हजम करने में कि मैं डॉक्टर हाथी वापस बन रहा हूँ, ये मुझे 2 दिन लगे। बाकी सब लोग बोल रहे हो क्या? हाँ हो गया। कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। तो लोग बोले तो खुश क्यों नहीं, मतलब मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि वापस मैं वही कैरेक्टर कर रहा हूँ करके, क्योंकि अब इतना जब आज़ाद भाई ये कैरेक्टर कर रहे थे, ये कैरेक्टर ना एक डॉक्टर हाथी आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया है, जहाँ पे बच्चे बूढ़े हर एज के लोग ये कैरेक्टर को इतना पसंद करते हैं। तो मैं बोला अच्छा, अब मुझे खुशी से ज़्यादा मुझे ना डर था, क्योंकि अब ये कैरेक्टर निभाना मुझे है। आज़ाद भाई जो यहाँ छोड़ के गए हैं ये कैरेक्टर को, मुझे उसको यहाँ से पकड़ के और ऊपर लेके जाना है, एटलीस्ट वो नहीं तो कम से कम उनके लेवल का मैं करूँ। तो ज़्यादा टेंशन था कि मैं कैसे करूँगा, खुशी थोड़ी कम थी। और इस सब के लिए मैं अशित भाई को थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने ये चीज़ पॉसिबल की कि इतने सालों के बाद मुझे वापस लाया।